नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दिल्ली में पहले टी20 मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग स्किल्स के बारे में एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश की पारी के एक ओवर के दौरान ऋषभ पंत ने 3 गलतियां कर दी। न केवल गेंद को सही पकड़ने में नाकाम रहे बल्कि DRS के मामले में भी विफल रहे। इस ओवर में 2 गेंदों पर भारत के पास विकेट लेने का मौका था, लेकिन पंत की अनुभवहीनता उनके आड़े आ गई। इनमें से विकेट के पीछे कैच लेने की अपील पर DRS लेने की उनकी जिद ने तो कप्तान रोहित शर्मा को भी हंसा दिया। बाद में ये गलती टीम इंडिया को भारी पड़ गई और मुशफिकर रहीम ने मैच में अर्धशतक लगाया और मैच भारत से छीन लिया। पंत की गलतियों ने भारतीय टीम के फैंस को एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। धोनी DRS लेने के माहिर माने जाते हैं, इसी वजह से DRS को सोशल मीडिया पर धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। बांग्लादेश की पारी का 10वां ओवर युजवेंद्र चहल ने किया। चहल ने मैच में गजब की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ओवर में ही केवल 1 रन दिया था और 1 विकेट भी चटकाया था। दूसरा ओवर लेकर जब वो आए तो पहली 2 गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं दिए, लेकिन दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत के पास मुशफिकर रहीम को आउट करने का मौका था। रहीम ने हल्के से गेंद को लेग में पुश किया था, क्रीज से निकल आए, लेकिन ऋषभ पंत सटीक थ्रो नहीं लगा पाए और रहीम को जीवन दान मिल गया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद मुशफिकर रहीम के पैड्स पर जाकर लगी। चहल और पंत ने अपील की, लेकिन अंपायर शमशुद्दीन ने इसे नकार दिया। मामला काफ़ी करीबी लग रहा था, लेकिन भारत ने DRS नहीं लिया। पंत ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। टीवी रिप्ले में सामने आया कि गेंद विकेट के सामने पिच हुई थी और स्टंप पर जाकर लग रही थी। इस ओवर की चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर गेंद बल्ले के पास गुजरी और इस पर ऋषभ पंत ने कैच की अपील, लेकिन अंपायर सहमत नजर नहीं आए। युजवेंद्र चहल भी गेंद के बल्ले से टकराने को लेकर अस्वस्थ नहीं थे, लेकिन पंत अड़े रहे। ऐसे में रोहित शर्मा ने पंत से बात की। उन्होंने कई बार पंत से कैच की पुष्टि की। पंत की जिद पर रोहित ने DRS ले लिया, लेकिन DRS में सामने आया कि गेंद बल्ले से दूर थी। ऐसे में इंडिया ने अपना रिव्यू गंवा दिया। नतीजा पक्ष में ना आने के बाद रोहित पंत पर हंसते हुए नजर आए। उन्होंने सिर पर हाथ मारकर इशारा किया और ऐसा मानो कि वे कह रहे हैं कि क्या कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।